वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, 30 अगस्त 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करने पर जान लेना आवश्यक है। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। यह उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी प्रशासनिक व विधायी राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। इसके उत्तर में उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार व झारखंड स्थित हैं। इसका ग्रहण 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी लखनऊ है। इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। उसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में चौथे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 22,88,27,524 है, जो भारत में पहले स्थान पर है। उसकी शिक्षा स्तर 67.68% है। इसका लिंगानुपात 912/1000 पुरुष हैं। उसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यह है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। NCPUL द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में नई दिल्ली। ये भारत की राजधानी है और ये भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। तथा इसकी सीमा पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। इसकी प्रमुख नदी यमुना है। उसकी ये राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनी। इसका क्षेत्रफल 42.7 वर्ग किलोमीटर है। उसकी जनसंख्या 1,67,87,947 है। इसके प्रेजेंट राज्यपाल अनिल बेजल हैं। उसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली ई लॉन्च की है? ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसके दो प्रशासनिक विभाग हैं, पहला वाणिज्य विभाग और दूसरा उद्योग व अंतरराज्य विभाग। इसकी स्थापना दिसंबर 1947 में की गई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके नियुक्तकर्ता राष्ट्रपति हैं। उसके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। उसके एजेंसी अधिकारी हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश हैं, जो एक राज्य मंत्री हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स के लिए एक श्रद्धांजलि है। ऑप्शन ए जनरल जगत सिंह के लिए, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट गवर्नर जीजी बेबूर, ऑप्शन सी फील्ड मार्शल सेम मानेकशा, ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी फील्ड मार्शल सेम मानेकशा। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस सॉफ्टवेयर कंपनी HDFC बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभवों को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए ऑटोडेस्क, ऑप्शन बी सेप, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी एडोब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी एडोब। एडोब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है एडोब। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना 1982 में कैलिफोर्निया में की गई। इसके संस्थापक चार्ल्स गेशक और जॉन वारनोक हैं। इसका मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसकी सेवा क्षेत्र विश्व स्तरीय है। उसके CEO शांतु नारायण हैं। इसके प्रेजेंट CFO जॉन एफ मर्फी हैं। उसके प्रेजेंट CTO अभय फ्रांसिस हैं। यह है एडोब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए कर्नाटक सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन फिटनेस अभियान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह इस अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक राष्ट्रपति शिक्षक
पुरस्कार 2020 विजेता हैं। ऑप्शन है सुनील कुमार, ऑप्शन बी रूही मुल्तान सुल्ताना, ऑप्शन सी सुधा पैनोली, ऑप्शन डी मनोज कुमार लखरा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सुधा पैनोली। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए संचार मंत्रालय, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये भारत के केंद्र सरकार के कार्यकारी संस्था है। इसका उद्देश्य आईटी नीति, रणनीति और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 2016 को ही। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 6000 करोड़ है। उसके उत्तरदायी मंत्री रविशंकर प्रसाद जो एक केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे संजय श्यामराव धोत्रे जो एक राज्य मंत्री हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड ऐसी ही हमारी वीडियो से जुड़े रहिए।